R9 टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम से जुड़ी हुई एक बार फिर से उन्हें कस्टडी में जाना पड़ेगा सीबीआई की। हालांकि ये जो बात है इसको लेकर वकील जो है चिदंबरम के उल्टी दलीलें देने शुरू कर दी थी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि सीबीआई की कस्टडी उन्हें दोबारा से मिल जाए ताकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल ना जाना पड़े। हालांकि राउस एवेन्यू कोर्ट में दलीलें रखते हुए सीबीआई के वकील ने 5 दिन की और रिमांड मांगी थी, लेकिन यहां पर जज साहब थोड़े बिफरते नजर आए। उन्होंने कहा कि बार बार रिमांड मांगने पर कोर्ट ने सीबीआई को दरअसल फटकार लगाई, पहले दिन ही 15 दिन का रिमांड क्यों नहीं मांग लिया गया, ये कहा जज साहब ने। तो INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में हुई थी गिरफ्तारी, 21 तारीख से वो सीबीआई की कस्टडी में चल रहे हैं और फिर से 3 दिन की उनकी कस्टडी बढ़ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को लेकर। बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।